दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी कैंडिडेट हो, आप फ्रेशर हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपने कहीं पे काम किया है, तो आप कैसे बड़ी ही आसानी से जो है जॉब सर्च कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको naukri.com के पोर्टल पे लेके जाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, वहाँ पे कैसे अपनी जो फॉर्म कैसे फिल करना है, वो जॉब कैसे ढूंढनी है, HR से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, इंटरव्यू के देने के लिए कब जाना है, कौन से नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है, सारा जो मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता कि जॉब फाइंड कैसे की जाती है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है कि कैसे वो HR अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हैं और बड़ी आसानी से जो है जॉब फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको naukri.com का एग्जांपल लेके बता रहा हूं, जो कि एक जॉब हंटिंग वेबसाइट है। naukri.com का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है इस वीडियो में क्योंकि इनका जो इंटरफेस है मेरे को इजी लगा। बहुत सारी और जॉब हंटिंग वेबसाइट भी है जैसे कि shine.com, Indeed, इसके अलावा monster.com, तो आप किसी पे भी जा सकते हैं कोई भी। सारा जो प्रोसेस है वो सेम ही रहता है जो naukri.com का है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से जो है जिस भी सिटी में आप रहते हैं जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप मत करें। तो ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने दिल्ली के YouTube चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, हम एजुकेशन से रिलेटेड, ओपिनियन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूले। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया होगा। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने google.com ओपन करना है। गूगल पे ओपन करने के बाद आपको नौकरी सर्च करना है। naukri.com की बेसिकली हमने वेबसाइट खोलनी है। अब लोग ये ना, आप लोग ये ना समझे कि naukri.com मेरे को पैसे दे रही है अपना जो है वेबसाइट स्पॉन्सर करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्पॉन्सरशिप कोई वीडियो नहीं है। naukri.com का तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि naukri.com का इंटरफेस मेरे को अच्छा लगता है। आप कह सकते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपको मिल जाता है, इसलिए मैं naukri.com की वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी और जॉब हंटिंग वेबसाइट है जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था, आप वहां पर भी जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो naukri.com को सर्च करें। नौकरी सर्च करेंगे तो naukri.com की वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगी। naukri.com की वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। अब सबसे पहले काम आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना है। देखिए मैंने रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को, आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर कैसे करेंगे? रजिस्टर के लिए यहाँ पे एक रजिस्टर विद अस करके एक कॉलम है, रजिस्टर विद अस करके जाइए। अब यहाँ आपसे दो चीज़ें पूछेगा, या तो आप फ्रेशर है या प्रोफेशनल है। फ्रेशर वो लोग होते हैं जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि अभी डायरेक्ट उन्होंने अपना कॉलेज पास आउट किया, उन्होंने कहीं पे काम नहीं किया है। अगर आप फ्रेशर है तो फ्रेशर पे क्लिक करेंगे। फ्रेशर पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, करंट लोकेशन, अपना रिज्यूमे अपलोड करना है, रजिस्टर कर देंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन के इससे क्लिक करने के बाद आप एक एजुकेशन यहाँ पे कॉलम दिख रहा है उस पर आप मूव हो जाएंगे। एजुकेशन में आपको अपने क्वालिफिकेशन सारी लिखनी है कि आपने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया है, अपना अपना कॉलेज कहाँ से किया है, कौन से ईयर में अपने अपना कॉलेज अपना कंप्लीट किया है, कितने मार्क्स आए, वो सारी जो भी डिटेल्स आपसे मांगेगा वो यहाँ पे भर दीजिए। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे, आप अपना आपका प्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई उन लोगों के लिए जो कि फ्रेशर है। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि फ्रेशर नहीं है, जिन्होंने कहीं पे काम किया है, जो कि प्रोफेशनल है। तो अगर आप प्रोफेशनल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा। जैसे फ्रेशर में हमारे पास सिर्फ एजुकेशन का कॉलम था, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का कॉलम हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसमें आपको नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, टोटल वर्क एक्सपीरियंस भी डालना है कि आपने कौन सी कंपनी में कितने साल काम किया हुआ है, वो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल दीजिए, जीरो जितने भी महीने का है, जितने भी साल का आप लोगों ने किया है। इसके अलावा रजिस्टर करने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट कॉलम पे चले जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट पे जाने के बाद एम्प्लॉयमेंट का पेज ओपन होगा। पेज पे आपसे सारी चीज़ें पूछेंगे कि आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, कौन से सेक्टर में काम किया है, कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, कितने साल काम किया है, सैलरी क्या थी प्रीवियस, वो सारी चीज़ें पूछेंगे, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, वो डाल दीजिए। इसके अलावा इसके बाद आप एजुकेशन कॉलम पे, एजुकेशन पेज पर ट्रांसफर हो जाएंगे। एजुकेशन पे भी आपसे वही चीज़ें पूछेंगे कि मतलब आपने कहाँ से पढ़ाई की है, कितने साल हो गए पढ़ाई किए हुए, जो पूछेंगे आप वो डाल दीजिए, सिंपल होता है। इसके बाद आप अपना वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ऐसे करने के बाद आपको डायरेक्ट यही पेज खुलेगा, बट यहाँ पे आप लॉगिन होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जॉब सर्च करनी है। अब जॉब कैसे सर्च करें? मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जो है, आपको, आप एक इंजीनियर है,
और आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जॉब करनी है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके अलावा नीचे आपको एक कीवर्ड्स दिखा रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर भी आप कौन से फील्ड में करना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियरिंग कोई भी आप अपना जो है, अगर कोई इंजीनियर है वो इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट कर पाएगा तो आप अपना डाल दीजिए। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर देता हूँ। कौन सी लोकेशन में चाहिए, मान लीजिए मैं दिल्ली रहता हूँ तो मैं दिल्ली NCR डाल रहा हूँ। आप किसी भी शहर में रहते हैं आप अपना नाम डाल सकते हैं, आप अपने उस शहर का जो है नाम डाल सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद एक्सपीरियंस पूछेगा आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है तो वो डाल दीजिए। इसके अलावा जो आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2-3 लाख रुपए वो डाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे 1 लाख से नीचे की सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर 2 लाख कितने भी आप डाल सकते हैं। मैं सैलरी का कॉलम खाली छोड़ूंगा ताकि ज़्यादा सर्च रिजल्ट आए, ठीक है। तो सर्च पे किया मैंने, यहाँ पे बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ गए आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ चुके हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नोएडा में कौन सी है, गुड़गांव में कौन सी है, ऑटोमेशन, आप जाइए उस पे, पेज पे जाइए। पेज आपने ओपन किया तो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा है कि जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या चाहते हैं वो। टेस्टर चाहते हैं, टेस्ट इंजीनियर चाहते हैं, जो टेस्ट प्लानिंग कर सके वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सैलरी भी कोई कोई चीज़ में यहाँ पे लिखा है, सैलरी यहाँ डिस्क्लोज नहीं किए इन्होंने। अगर आप यहाँ पे लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स भी दिख जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी। कई कई केसेस में तो बिना लॉगिन किए भी दिख जाती है, बट कई केसेस में आपको लॉगिन होना पड़ता है। जैसे ये वो केस है जब आप लॉगिन होंगे तभी यहाँ पे आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पता लग पाएंगी। तो लॉगिन होने के बाद वहाँ पे अप्लाई का बटन आएगा, आपको अप्लाई करने का, वहाँ अप्लाई कर दीजिए, आपके पास उनका रिप्लाई आ जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी जॉब्स पोस्टिंग भी होते हैं, ऐसे HR भी होते हैं जो आपको विदाउट लॉगिन भी अपना जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता देते हैं, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैलरी डिस्क्लोज की हुई है इन्होंने, तो हर HR पे डिपेंड करता है कितना वर्क एक्सपीरियंस वो चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाएगी। बड़ी आसानी से जो है मैं आपको बता दूं आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में जॉब फाइंड कर सकते हैं आसानी। सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही है, मार्केटिंग हो तो मार्केटिंग में भी कर सकते हैं। देखिए मार्केटिंग आ गया, तो मार्केटिंग पे आपको नाम लिखना है, आप जिस भी सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं उस चीज़ का आपको नाम लिख देना है। यहाँ पे मान लीजिए एडवर्टाइजिंग मैंने लिख दिया, दिल्ली NCR लिख दिया, एक्सपीरियंस मैंने कुछ भी जितना भी लिख सकते हो आप लिख दो जितना भी आपके पास है। इसके अलावा सैलरी में क्या चाहता हूँ वो आप लिख दीजिए, जितनी भी आप सैलरी चाहते हैं। फिर सर्च करिए, ठीक है। सर्च करने के बाद देख सकते हैं आप, बहुत सारे आपको दिखा देगा जॉब्स में, बहुत सारे आपको देख सकते हैं आप, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर। बड़ी ही आसानी से, मैं कह रहा हूँ बड़ी ही आसानी से आपको जॉब मिल सकती है यहाँ पे। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ऐसा नहीं कि सारे फ्रॉड होते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पैसे मांगते हैं इसमें, इन लोगों ने कुछ फ्रॉड भी होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बट सारे फ्रॉड नहीं होते। आप जाइए वहाँ से, इन लोगों से बात करिए, कॉन्टैक्ट डिटेल पे इनकी जो कॉन्टैक्ट नंबर फ़ोन नंबर भी दिया होता है HR का, तो वहाँ पे बात कर लीजिए। इसके अलावा आप इनको अपना रिज्यूमे भेज दीजिए, अगर इनको पसंद आएगा तो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, कि जो भी जेन्युइन होंगे ना वो आपसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे। बहुत सारे मेरे को, मैंने इस पे पहले भी एक आध वीडियो डाला हुआ है, तो वो बोलते हैं कि वो पैसे मांगते हैं जॉब के नाम पे, कि 500 रुपये दे दो, ट्रेनिंग के हिसाब से चाहिए। आपको बिल्कुल कोई एक पैसा नहीं देना है। जो जेन्युइन कंपनी होगी वो आपको बिल्कुल पैसा नहीं, कोई भी नहीं मांगेगी। आप बिचौलियों के पास मत जाइए। जैसे बहुत सारे ऐसे भी आपको मिलेंगे यहाँ पे कि वो आपका इंटरव्यू ले लेंगे बट वो कंपनी की तरफ से नहीं होंगे। तो आप जब भी उनसे फ़ोन पे बात करें तो आप उनसे ये पूछिए कि आप कंपनी के HR बोल रहे हैं या फिर आप HR एजेंसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। जो कंपनी के HR है डायरेक्टली उनसे बात करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका, जैसे आप जाएंगे आपका इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे आपको कि भाई आप इंटरव्यू के लिए उस तारीख को, इंटरव्यू की जो भी सारी डेट्स है वो आपको यहाँ पता लग जाएगी, इस तारीख को इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू दे के आइए। उसके अलावा अगर आप, जो जेन्युइन कंपनी होगी वो आपको, अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो अपने कंपनी के लेटर हेड पे वो चीज़ देगी कि आपका ये ज्वाइनिंग लेटर दे देगी कि आपको इस तारीख को ज्वाइन करना है। इस यही प्रोसीजर होता है और इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कैसे आप बड़ी ही आसानी से किसी भी शहर में जॉब फाइंड कर सकते हैं। बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें जॉब फाइंड करना ही नहीं आता और वो सिर्फ अपनी कॉलेज प्लेसमेंट पे डिपेंड रहते हैं कि कॉलेज वाले अगर आपकी जॉब लगाएंगे तो ही आपकी जॉब लगेगी। देखिए कॉलेज वाले आपकी जॉब एक बार लगा सकते हैं, बाद में आपको जो है खुद ही एफर्ट डालने पड़ेंगे, खुद ही प्रयास करने पड़ेंगे। ये जो ऑप्शन बताया मैंने आपको ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी है जो कि काम कर रहे हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल है जनरली उनको तो ये बातें पता होती है, बट जो फ्रेशर होते हैं उनको ये बातें नहीं पता होती, उनको नहीं पता होता कि जॉब कैसे फाइंड करनी है। तो इस तरीके से अगर आप ये तरीका यूज कर सकते हो तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी शहर में रहते हो आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स ओपिनियन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग फैक्ट से रिलेटेड जब भी हम लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।